तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया, ये कंपनी ने आपको रिजाइन कर दिया, मीन्स रिजाइन आपका एक्सेप्ट कर लिया, और उस केस में कंपनी ने अगर आपको सर्विस लेटर दिया है, मीन्स क्या किया कि कंपनी ने आपको बोला कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन 10 से 15 दिन बाद कंपनी में एचआर का मूड चेंज हो गया कि चलो इस बंदे को हम सर्विस लेटर दे देते हैं या एक्सपीरियंस लेटर दे देते हैं, तो उस केस में काम कौन सा करेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि कंपनी जब आपको टर्मिनेशन लेटर देती है वो अपने एचआर के डेटाबेस में मेंशन करती है इस कैंडिडेट को हमने टर्मिनेट किया है। कंपनी आपको अपस्कॉन्डिंग लेटर देती है तो अपने डेटाबेस में मेंशन करती है इस कैंडिडेट को हमने अपस्कॉन्ड किया है। एंड कंपनी अगर आपको सर्विस लेटर देती है, एक्सपीरियंस लेटर देती है, तो एचआर अपने डेटाबेस में मेंशन करते हैं किस बंदे को हमने सर्विस लेटर दिया था, एक्सपीरियंस लेटर दिया था और प्रॉपर इस ये कैंडिडेट एग्जिट हुआ था। तो अगर मान लो आपका कहीं पे कुछ भी मिसयूज होता है डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या कहीं भी कुछ फेक पकड़ा जाता है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं आपको टर्मिनेट ना करके, आपको अपस्कॉन ना करके एम्प्लॉय से बोलती हैं कि ठीक है आप रिजाइन डाल दो, हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड उसमें आपको वो दो कंडीशन देते हैं, कई बार वो बोल देते हैं कि ठीक है आप नोटिस पीरियड तक रुक जाओ, मान लो किसी कंपनी में 3 महीने का, किसी कंपनी में 1 महीने का नोटिस पीरियड है, तो कंपनी ये बोल देती है कि ठीक है आप नोटिस पीरियड तक रुक जाओ, नोटिस पीरियड के बाद आप कंपनी को छोड़ के चले जाना। एंड कई बार कंपनीज क्या बोलती हैं जब फेक पकड़े जाने पर, कंपनीज ये बोलती हैं कि आपका कल ही लास्ट वर्किंग डे होगा। तो ये दो कंडीशन होती है वहां पे, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पकड़ा गया है और आपको कंपनी सर्विस लेटर दे रही है, एक्सपीरियंस लेटर दे रही है, तो आप वो नेक्स्ट कंपनी में आराम से दिखा सकते हो कि मुझे इस कंपनी का इतना एक्सपीरियंस है, और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इजीली हो जाएगा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इजीली कर देगी, तो वहां पे डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है कि हमें टर्मिनेशन, ऐसा तो नहीं है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कहीं टर्मिनेशन दे दें, तो ये चीज वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो इससे आप डाउटफुल मत होना। एंड वो कंपनी फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर करती है, एंड थैंक यू बोलना उस कंपनी को अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी अगर कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर या सर्विस लेटर दे रही है, तो वहाँ के एचआर या उस कंपनी को एक प्यार भरा थैंक यू जरूर बोलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।